हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये देखिए, आज है तीज का दिन। मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। पहले मेरी साड़ी देख लीजिए कि ये मम्मी माता रानी के यहाँ से लाई थी, वैष्णो देवी से चुनरी है। तो ये देखिए, और बहुत हल्की साड़ी है। और अभी मैं नहाऊँगी, दोपहर के हो रहे हैं 3। अभी मैं नहाऊँगी और साड़ी दूसरा चेंज करूँगी। और ये देखिए, पूजा का सारा सामान आ गया है यहाँ पर। हस्बैंड ले आए हैं सारा सामान पूजा का। तो अभी देखिए, बज रहा है 3 और मैं नहाने के बाद से जो मंडप लगेगा ना उनका, वो मंडप वगैरह अभी डेकोरेट करूँगी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को अभी मैं ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रही थी कि आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि आप लोगों से बातें कर लीजिए ना तो मन बहुत खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बातें कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये वाली मैंने ईयर रिंग पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है ये वाली। और मेरी मेहंदी देखिए कितनी प्यारी रची है, ये देखिए। और दूसरे वाले हाथ की दिखाती हूँ, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सब मेरी मेहंदी देख लीजिए आप लोग, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है ये देखिए। अब बहुत खूबसूरत रची भी है ये। और ये फ्रंट का है, और मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ये, चढ़ा भी काफी अच्छा था ये देखिए। फुल हैंड का ये मैंने लगवाया था सिस्टर से, और ये मैंने लगाया है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी खूबसूरत रची थी ना कि मुझे, मैं बार बार अपने हाथों को ही देख रही थी कि कहीं मेरे हाथों को नज़र ना लग जाए। और अभी मैं जाती हूँ, नहा लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे मंडप भी तैयार करना है और मुझे पूजा भी करना है, मंदिर भी जाना है, तो बहुत ढेर सारे काम हैं। तो मैं मिलती हूँ वीडियो में आगे, आप लोग बने रहिएगा, और मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ गई हूँ। और ये देखिए, ये वाली साड़ी मैंने तीज के लिए मंगाई थी, ये देखिए। और ये वाली साड़ी मैंने जो है ना, ये वाली साड़ी मैं मंगाई थी, ये नेकलेस जो मंगाई थी कल मीशो से आया था। अभी मैं इसे ऊपर पहनूंगी, पहले अपने हेयर को कॉम कर लूंगी, फिर नेकलेस सेट करूंगी। और ये काजल जिसका मैंने रिव्यू किया था परसोनी का, वो वाला काजल है, मैं सुबह ही लगा ली थी। तो देखिए, साड़ी मेरी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा भी करना है। तो अब मैं चलती हूँ तैयार होने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, और ये देखिए चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं मेरे हाथों में। और लक्ष्मी ने हेयर स्टाइल बना दिया था, और बालों में गजरा भी लगा दिया, और हस्बैंड सिंदूर लगा दिए थे मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फाइनल लुक। और ये साड़ी मैंने ली थी, मीशो से मंगाई थी, और बहुत खूबसूरत साड़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सॉफ्ट मटेरियल था। फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई, और ये है मेरा तीज का फाइनल लुक। ये देखिए सिंदूर जो है हस्बैंड जी ने लगाया है, और बहुत प्यारा लग रहा है मुझे भी। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, और मुझे मेकअप करने में पूरे 1.5 घंटे लगे हैं। और मैंने आपको दिखाया भी है कि मैंने कोई कंसीलर या कोई भी मैंने फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पाउडर, और जो मैं डेली क्रीम इस्तेमाल करती हूँ बस उसी से मैंने अपना मेकअप किया है। तो अभी मैं चलती हूँ पूजा कर लेती हूँ।
तो अभी मैं आ गई हूँ, मंडप तैयार कर रही हूँ जहाँ मैं शंकर भगवान और पार्वती जी को स्थापित करूँगी। और बहुत मुश्किल हुआ मुझे मंडप तैयार करने में, केला का जो पत्ता था ना वो बार बार गिर जा रहा था। और ये पूजा की सारी सामग्रियाँ हैं, और चंदन रोड़ी तो मैंने लगा दिया है थाली में, फूल माला मैंने एक साइड में रख दिया है, 5 तरीके के फल हैं, और शंकर जी की गंगा बालू से जो मूर्ति है वो बनी हुई है, और ये उन्हें मैंने स्थापित करके ये मैं जो टेबल है ना उसे सजा रही हूँ गेंदे के फूल से। पहले मैं एक एक फूल को, माला लाए थे हस्बैंड, छुट्टा फूल नहीं था, तो एक एक फूल को पहले मैंने किनारे किनारे पे लगा दिया, फिर फूलों को मैंने केले के जो पत्ते थे उनमें फंसा दिया, और बाकी के फूल जो थे ना उसे मैंने तोड़ के फैला दिया, और बहुत अच्छा लग रहा था। और तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं कर पाई, वरना मैं हर साल इससे भी अच्छा डेकोरेट करती हूँ, पर इस साल थोड़ा छूट गया। और ये देखिए शंकर पार्वती जी गणेश जी की बालू की प्रतिमा है, गंगा बालू की, और ये नारियल मैंने लिया है जटा वाला, और पान के पत्ते पे गौरी गणेश को बैठाया है, और अब मैं गेंदे के फूल से सजा दूँगी, उसके बाद फिर पूजा शुरू करूँगी। हरितालका तीज में तो आप जितने तरीके के फल रखना चाहते हो, जितना अच्छा मंडप सजाना चाहते हो, पर केले के पत्ते का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। केले के पत्ते से ही हमें मंडप सजाना रहता है। जो किताब हम पढ़ते हैं हरितालिका तीज व्रत की, उसमें लिखा हुआ है कि आप जितना सुंदर हो उतना सुंदर आप मंडप सजाएं, केले के खम्भे से और बाकी चीज़ों से भी, फूल उल से, और आप जितना ऋतु फल हो उतना ऋतु फल आप रख सकते हैं। तो मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ। और ये जो व्रत है ना, ये सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत है, हम सभी सुहागन स्त्रियों को ये व्रत करना चाहिए। थोड़ा कठिन है, पर पता नहीं चलता, महसूस नहीं होता है, दिन भर कैसे बीत जाता है, बिल्कुल मुझे तो पता ही नहीं चला कब शाम हो गई, प्यास नहीं लगी थी, पर मैं 12 बजे रात को पानी पी लेती हूँ। छवि मेरे पेट में थी तब से ही मैं 12 बजे रात को पानी पी लेती हूँ, उसके पहले तो मैं पानी नहीं पीती थी, सुबह में पीती थी नहाने के बाद से, चने का जो है वो खड़ा चना पहले हम लोग पीते हैं खड़े चने के साथ पानी, उसके बाद पानी पीती थी। मेरी पूजा हो गई है और मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, हस्बैंड बाहर गाड़ी निकाल दिए हैं, तो मैं मास्क लगा लेती हूँ, स्लीपर दो दो, अरे यार झुमका पहने, मास्क तो आएगा नहीं, नहीं कह रहा है यार, डरते हैं ना, तो मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब घर की पूजा हो जाती है तो फिर मैं मंदिर जाती हूँ, और ऐसा संजोग बार बार नहीं होता है, क्योंकि हस्बैंड का ना छुट्टी बुधवार को होता है और तीज जो था वो गुरुवार को था, तो गुरुवार को इसलिए छुट्टी हो गया इनका क्योंकि बुधवार को उन्हें जाना पड़ा, तो उनका वीकली छुट्टी जो बुधवार को होता है उन्होंने गुरुवार को ले लिया, और इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ, नहीं तो मैं घर पर ही पूजा कर लेती हूँ। और ये हमारे यहाँ का शिवपुर फाटक है, और अभी ट्रेन आ रही है ना इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी जब फाटक खुल जाएगा ना तब फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। और मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है, मुश्किल से 10 मिनट लगता है, पर ट्रेन जा रही थी इसलिए आधा घंटा तो हमें फाटक पे ही वेट करना पड़ा। तो अभी हम मंदिर पहुँच गए हैं, और ये हमारे यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है माता अष्टभुजी का, और यहाँ शंकर जी हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, शीतला माता हैं। और अभी हम लोग मंदिर आ गए हैं, पहले माता अष्टभुजा का दर्शन कर लेती हूँ,
और बहुत भीड़ था। माता अष्टभुजा के मंदिर पे तो कम था, पर शिव जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत किया है इस निर्जला व्रत में भी, मैंने अपना काम किया, अपना वर्क किया, आप लोग के लिए वीडियो बनाया कि आप लोग बोर ना हो। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी मेहनत को देखते हुए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप लोग को जड़ा भी अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत को अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये शिव जी का मंदिर है, मैं दिखा रही हूँ आपको, काफ़ी भीड़ लगा था, पर मैं साइड से गई और बस शिव जी को छू के प्रणाम करके और चली आई थी, क्योंकि मैंने घर पे पूजा कर लिया था और मैं थोड़ी दूरी भी बनाई हुई थी, पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, और बहुत आप देख ही सकते हो कितना भीड़ है। बस मैंने उन्हें टच किया, माता रानी के जो अर्घा होता है माता रानी का, वहाँ से सिंदूर लगाया, और फिर मैंने बाहर आके वहाँ से धूप दीप अगरबत्ती सब दिखाया। और ये जो देख रहे हैं, मैं गांठ बांध रही हूँ चूनर का ना, ये मन्नत का गांठ होता है, मैं हर साल बांधती हूँ मन्नत लेके अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, कि उनकी आयु लंबी हो, बच्चों की आयु लंबी हो, निरोगी काया हो बच्चों की, पति की, और हम लोग को सुख शांति से हम लोग रहें। ज़्यादा कुछ मैं नहीं मांगती हूँ, सिर्फ इतना ही मांगती हूँ। और उनके सामने ही ये हवन कुंड है, तो यहाँ पर मैं यहीं पे धूप अगरबत्ती दीप जलता है, अंदर मंदिर में नहीं जलता है। तो अभी मैंने मंदिर में पूजा कर लिया है और मैं घर जा रही हूँ, और अभी मैं फाटक पे रुकी हूँ, ट्रेन जो है फिर से आ रही है। और बच्चों के लिए थोड़ा सा, ये जो भैया हैं ना, ये जान पहचान के हैं, तो इन्हीं से हम लोग गोलगप्पे ले रहे हैं, और ये बगल के हैं तो मुझे पता है कि ये सफाई से जो देते हैं, वरना मैं बच्चों के लिए बाहरी कोई आइटम नहीं ले जाती हूँ। और हस्बैंड से बातें कर रही हूँ, हंस रही हूँ कि फाटक जल्दी से खुले तो आप घर जाएं, और मैं शिव जी से प्रेयर करूँगी अपने फ्रेंड्स के लिए, जो भी लेडीज़ हैं जिन्होंने व्रत रखा उनके लिए, कि ऐसे ही वो हर साल तीज का व्रत ऐसे ही हंसते खेलते करें। तो गुड नाइट फ्रेंड्स।